हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं। सुबह के 7 बजे, 7 बज चुका है, सारे काम हम निपट चुके हैं। तो आज है सावन का चौथा सोमवार। तो इस बार सावन में 5 सोमवार हो रहे हैं, तो आज चौथा है। इसके बाद 19 तारीख को रक्षाबंधन के दिन लास्ट सोमवार है, तो उस दिन भी फास्ट रहेगा। आज ही मेरा फास्ट है चौथे सोमवार का। तो अभी चलते हैं मंदिर में जल वगैरह चढ़ाने के लिए, तो मिलते थे। अभी करने लग गए हैं हम लोग पूजा। हम लोग चले गए थे मंदिर में, मम्मी और मैं और मेरी बहन। तो पहले मम्मी ने पूजा कर ली, उसके बाद मैंने जलाया दिया वगैरह और भगवान जी को चढ़ाए बेलपत्री। तो बेलपत्री के बारे में किसको किसको पता है मुझे कमेंट में जाके बताएं। शिव जी का प्रिय होता है बेलपत्री का पत्ता, शिव जी को बहुत प्रिय है बेलपत्री का पत्ता, दूब। तो हमने बहुत सारी चढ़ाई और उसके बाद चढ़ाया हम लोगों ने जल। जल में आप लोग कच्चा दूध डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, जौ डाल सकते हैं। तो आज रखा है मैंने फास्ट, तो भगवान जी की पूजा सुबह शाम तक तो पूजा पाठ चलती रहेगी। फिर मैंने कर दी यहाँ पर आरती भगवान जी की दिए से, क्योंकि यहाँ पर थी नहीं ना, तो मैं घर से दिए घी की बत्ती लेके आई थी, उससे आरती करी। कभी भी आप लोग भगवान जी की आरती करें तो हमेशा आरती घी की बत्ती से होती है। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, जो ये पत्ता बचा था इसको रख दिया मैंने ऐसे पेड़ में। हल्द्वानी को कल के पूजा के सामान लेने के लिए, और थोड़ा सा इसको भी काम है, मुझे मम्मी की रिपोर्ट वगैरह भी लेके आनी है। मुझे बहुत सारे काम है हल्द्वानी में, तो आज आप लोग को लेके जाऊंगी बहुत सारी जगह हल्द्वानी में घुमाने के लिए, और इसको भी लेके जाना है। और मेरा तो व्रत है आज, वैसे भी मैं कुछ खा पी सकती नहीं, इसको खिलाना पड़ेगा। पर तो यहाँ पर से मेरे काम हो गए थे स्टार्ट। तो पहले मैं चली गई हसदीप भैया के पास, इनको हमने देना था मिठाई का ऑर्डर, तो वो दिया। वहाँ से आ गई थी मैं फिर वापस। फिर हम चले गए थे ब्रिजलाल हॉस्पिटल, वहाँ से लेनी थी मम्मी की रिपोर्ट। तो हम नीचे रिपोर्ट लेने के लिए, वहाँ मिली नहीं, उन्होंने बोला इसी चश्मे मिलेगी। फिर जाना पड़ा वहाँ से ऊपर, और वहाँ जाके मुझे मिल गई थी रिपोर्ट यहाँ पे से। तो रिपोर्ट ली और वहाँ से हम लोग आ गए बाहर। फिर हम चले गए पार्किंग में, क्योंकि हमारी स्कूटी थी पार्किंग में, और वहाँ पर किसी ने लगा दी, ये प्रभु अब क्या होगा, दो स्कूटी लगा दी बगल में। फिर हमने बुलाया अंकल को, अंकल ने लगाई हटाई वहाँ से दोनों स्कूटी, और हमने स्कूटी निकाली और हम चल दिए वहाँ से विशाल की ओर। विशाल से ले आई थी मेरी बहन अपने के लिए कुर्ता शॉर्ट वाला, जो अभी चल रहा है इस टाइम पे, और वो उसके गला तो उसमें घुस ही नहीं रहा था, मुंडी से नीचे नहीं जा रहा था, तो इसको कराना था एक्सचेंज। तो इसके लिए हम गए वहाँ। अब विशाल में जाके लड़कियाँ रुकती थोड़ी रहे, यहाँ जाके प्यारे प्यारे कपड़े दिख गए, और इतने प्यारे कपड़े आए थे ना, कॉटन वाली फ्रॉक बहुत अच्छी होती है यहाँ की, वो जरूर लेनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें, टॉप वगैरह बहुत अच्छे अच्छे टॉप आए थे ट्रेंडिंग, और जीन्स आई थी, और ट्राउज़र इतने प्यारे आए थे ना, ट्राउज़र तो मुझे बहुत पसंद आए। मैंने ट्राउज़र देखे भी पर मैं लेके नहीं आई, क्योंकि मैंने ना अभी इधर को बहुत सारे कपड़े पहने लिए हैं जो मैंने अभी तक पहने भी नहीं है। तो उसके बाद हम लोग चल दिए आगे। इसके लिए हमने ढूंढा वहाँ से कुर्ती उड़ती एक, तो कुर्ती उड़ती तो इसको कुछ पसंद आई नहीं। फिर हमने उसी इसके लिए इसके बदले ले ली इसके लिए लॉन्ग कुर्ती, और मैंने देखी अपने के लिए यहाँ पर से फ्रॉक वगैरह। तो ये फ्रॉक दिख तो सही रही थी पर कपड़ा उतना अच्छा नहीं था, तो मुझे लेना सही नहीं लगा। उसके बाद मैं बढ़ गई आगे, और यहाँ से हमने देखी बहुत सारे कपड़े, और भी बहुत प्यारे प्यारे कपड़े आए थे। फ्रॉक ना बहुत प्यारी प्यारी आई हैं अलग अलग टाइप की, टॉप भी बहुत प्यारे प्यारे आए हैं। तो तन्नु देखने लग गई थी अपने के लिए टॉप फिर से, तो उसको टॉप तो कुछ पसंद आता आता है नहीं कुछ। मिले क्या लेने वाले हो आप? नहीं यार, तो क्या लेना चाहते हैं फिर आप? लेना क्या चाहते हैं? तो बुरा क्या लग रहा है? नहीं निकल ही नहीं रहा यार मैडम, ये देखो ना कितना मस्त लग रहा है, छेद छाड़ने लगे तो भी। तो गए हैं विशाल में, और ये देखिए अपने के लिए पर्स। आज हमने अपनी स्कूटी पर UK04 वाली लिखवा ही लिया। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी अपनी गाड़ी हो कोई, उसमें मैं अपने चैनल का नाम लिखूं। तो ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, कमेंट में जाके जरूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए सीधे घर को। हमने पूजा पाठ का सामान भी बहुत सारा लिया, पर उसमें ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि बहन को मैंने अलग जगह भेज दिया था, मैं अपनी दूसरी जगह से ले रही थी। तो उसके बाद सीधे हम लोग आ गए घर को, और देख सकते हैं क्या नज़ारे हैं यार। धूप इतनी तेज़ लग रही थी ना, पर नज़ारे तो प्यारे लग रहे थे और धूप बहुत तेज़ लग रही थी। कब घर पहुँच गई थी, और हम पहुँच गए थे कुंवरपुर चौराहे में। ये रहा हमारे गोलापार का कुंवरपुर चौराहा। उसके बाद हम लोग चले गए यशदीप भैया के, वहाँ से मैंने आधे किलो मिठाई ली, और 2 किलो तो उनके यहाँ बना नहीं था, तो वो शाम को लेके जाना है बोल रहा उन्हें। तो उसके बाद वहाँ से आ गए हम लोग घर को, और देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक चल रहा है आजकल ना भाई, और बहुत ट्रैफिक है रोड में, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।